टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 की लगभग ऑन रोड प्राइस है 3 लाख से ये बाइक शुरू होगी ऑन रोड प्राइस से और लगभग 3,50,000 से 3,60,000 रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइस में ये बाइक आपको मिलेगी। तो क्या इस प्राइस रेंज में 2023 में आपके लिए ये बाइक सही रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ये बाइक सुपर हिट है या फिर फ्लॉप है, आज मैं आपको इसकी कमियां और खूबियां बताने वाला हूं जिससे आप लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी कर पाए। शुरुआत करते हैं हम इसके खूबियों से। तो भाई इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है और इसका जो फ्रंट डिजाइन है वो साइबर्ग से इंस्पायर्ड है। अब ये साइबर्ग क्या है दोस्तों? तो साइबर्ग ये होता है, आपने बहुत सारी साईफाई मूवी में देखा होगा कि जैसे आधा रोबोट रहता है आधा इंसान रहता है, तो उससे थोड़ा सा ये इंस्पायर्ड है। बाकी इसकी बैकलाइट का डिजाइन, इसके हेडलाइट का डिजाइन और इसके टैंक का डिजाइन ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। साथ में ये स्ट्रीट फाइटर बाइक है तो थोड़ा सा अग्रेसिव पोजीशन दिया गया है, तो मतलब अगर लुक के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब वो चाहे मीटर का डिजाइन हो, हेडलाइट का डिजाइन हो या फिर बैक प्रोफाइल हो, कुल मिला के इसका मॉडल और डिजाइन आपको पसंद आएगा। दूसरी चीज, इसका जो मीटर है वो बहुत ही कलरफुल है और आपको देखने में अच्छा भी लगेगा, साथ में बड़ा सा भी है और उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, 3 राइडिंग मोड आपको मिल जाएंगे जैसा कि आपको अपाचे में मिलता है। तो यहाँ पर मीटर के मामले में भी ये बाइक अच्छी है। साथ में जैसे इसमें 150mm का पीछे वाइट टायर मिलेगा, तो नेकेड बाइक है तो 150mm के वाइट टायर के साथ ये बाइक आपको खूबसूरत लगेगी। इसके अलावा 310cc का पावरफुल इंजन है जो अपाचे आरटीआर 310 है, उससे ज़्यादा पावरफुल इस बाइक को बनाया गया। जैसे टॉप स्पीड नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पावरफुल इंजन इसमें आपको मिलेगा और वो भी लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। अब इसके अलावा जैसे 6 मोड में आपको, जैसे इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, एबीएस में भी कई मोड मिल जाते हैं, कॉर्नरिंग अलर्ट मिल जाता है। तो मतलब अगर मैं जैसे इसके एबीएस के मोड को देखकर आपको बताऊं, क्योंकि अब देखो मैंने तो बनाया नहीं भाई, यहां पर जैसे कॉर्नरिंग एबीएस आपको मिलता है, व्हीली कंट्रोल मिलता है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल मिलता है और कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल मिलता है, मतलब ऐसे बहुत सारे फीचर्स इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसके अलावा इसमें पहली बार सेगमेंट फर्स्ट जो है आपको सीट, जैसे ही गर्म और ठंडी इसकी सीट भी दी गई है, जिससे आप लॉन्ग राइड करें तो आपको जैसे भाई अगर गर्मी लग रही है आपके पिछवाड़े में तो वो आप इसको गर्म और ठंडा कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक होगा। तो ये भी चीज़ इसमें बहुत बेहतरीन बनाई गई है और इसमें ऑयल कूलिंग का सिस्टम बढ़िया बनाया गया है और इसमें जैसे स्लीपर क्लच और जैसे क्विक शिफ्टर दिया गया है, तो जिससे जो गियर शिफ्टिंग होगी, अब आप चाहे इसको ट्रैक पर चलाएं, कहीं पर भी चलाएं, तो भाई साहब इसमें मतलब जो शिफ्टिंग है वो नेक्स्ट लेवल की होगी। तो मतलब आपको इसमें मजा आने वाला। तो अगर देखा जाए तो इसमें खूबियां ही खूबियां हैं, लेकिन क्या इस प्राइस रेंज में ये सही है? अब चलते हैं इसकी कमियों की तरफ। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात तो अगर 3,60,000 3,50,000 रुपए कोई खर्च कर रहा है तो वो अपाचे आरटीआर मुझे लगता है कि नाम थोड़ा सा बदल देना चाहिए, क्योंकि 160 सीसी की बाइक का नाम वही और 300 सीसी की बाइक का भी वही नाम, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही रहेगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अब यहां पर दोस्तों जो हीटेड इनकी जो सीट दी गई है, जैसे इनकी टेक्नोलॉजी जो है, हो सकता है अगर उसमें कल को कोई प्रॉब्लम आई, सीट के नीचे पानी गया, ये गया, वो गया, भले ही वाटरप्रूफ बनाया, चूहे ने तार काट दी, तो वहां पर आग लगने का भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ना लगे वो अलग बात है, बट ये चीज हो सकता है कार में ज्यादा संभव हो, मोटरसाइकिल के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ना हो। थ्रोटल वायर बाई वायर भी इसमें आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, वो मैंने आपको नहीं बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ। क्रूज कंट्रोल भी इस बाइक में आपको मिलता है, तो फीचर्स के मामले में भर भर के मिलती है, लेकिन मैं कमियां बता रहा हूँ। तो कमियां आप सुनो, देखो अब मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं, जैसे मान लो मैं सांवला हूं या काला आप मुझे मान लो, अगर मैं अपने चेहरे पर क्रीम लगवाता हूं या ब्लीचिंग करवाता हूं या कुछ भी करवाता हूं, तो कुछ समय के लिए मैं गोरा दिखने लगूंगा, लेकिन उसके बाद तो मैं काला ही हो जाऊंगा, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। इसमें इन्होंने फीचर्स भले ही भर भर के दे दिए, चेसी चेंज कर दी, इन्होंने एडजस्टेबल सस्पेंशन दे दिए, मतलब सब कुछ दे दिया, लेकिन इंजन है जो BMW ने बनाया है 310cc का। इससे पहले मैंने आपको कई बाइकों को स्टार्ट करके आपको दिखाया और एक मैंने अपाचे आरटीआर 310 की वीडियो बनाई हुई है जिसमें वो बाइक, जब ये बाइक स्टार्ट होती है, 300cc की आपने बहुत सारी बाइकें देखी होगी, लेकिन जब ये स्टार्ट होती है ना तो जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, मतलब इतनी भड़बड़ाहट होती है कि मतलब इसका इंजन स्टार्टिंग जब होती है ना वो स्मूथ नहीं है, वो इतनी वाइब्रेशन करता है, मतलब इतनी
मतलब इतनी बुरी आवाज़ करता है कि वहाँ पर लोगों को पसंद नहीं आता। और मैंने बहुत सारे जैसे बाइकों को रिपेयर किया है, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं मैकेनिक, उन्होंने बहुत बार इसको रिपेयर किया है, तो उन्होंने ये बाइक बताया कि लगभग 7 से 8 हज़ार किलोमीटर के बाद इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर TVS ने कोई बदलाव नहीं किया है। अब जैसे आपका हीटेड ग्रिप हो गया, सब कुछ ले लो, क्रूज कंट्रोल ले लो, लेकिन दोस्तों जो मैंने अभी आपको उदाहरण दे दिया कि अभी आप क्रीम लगा के गोरे हो जाएंगे, बाद में जैसे आप नई पर लेंगे तो नई पर तो सब सही रहेगी, लेकिन बाद में जब इंजन जहाज बन जाता है, आवाज करता है, तो वहां पर आपको मजा नहीं आता है और आपके लगते हैं बहुत ज्यादा पैसे और उसके बाद आप हो जाते हैं दुखी। तो मुझे लगता है कि ये जो BMW का 310 सीसी का इंजन है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कई बाइकों में कमियां देखी हैं और भविष्य में मुझे मिलेगी तो मैं उस बाइक को फिर से लेकर आऊंगा, अपाचे RTR 310 को, और आपको दिखाऊंगा कि उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम है। इंजन भी खुल गया, सामान भी नहीं मिल रहा है, और एक प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि अगर आप थोड़ा सा इंटरनल जैसे थोड़ा सा इंटीरियर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां पर आपने बाइक खरीद ली तो फिर आपको दूर जाना पड़ेगा सर्विस करवाने, कोई सामान नहीं मिलेगा, तो मतलब ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। तो देखने में और सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम लगी है। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर और कुछ प्रॉब्लम की बात की जाए तो भाई देखिए, आगे 300 mm की इन्होंने डिस्क ब्रेक दी है और पीछे इन्होंने 240 mm की डिस्क ब्रेक दी है, वहाँ पर इनको 270 mm की डिस्क ब्रेक कम से कम देनी चाहिए थी। ब्रेक भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन 240 mm की डिस्क ब्रेक मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं ये शिकायत नहीं करूँगा कि इन्होंने हैंडल बार क्लिप ऑन हैंडल बार देना चाहिए था, ये चीज़ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें सही है। और इस बाइक की खूबी ये है कि भैया इसमें 800 mm की सीट हाइट मिलती है, तो मतलब कोई भी चला सकते हैं। लास्ट में अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊं तो देखिए, फीचर्स के मामले में बाइक बहुत गजब है, लुक के मामले में गजब है, जो फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं किसी और बाइक में नहीं मिलते हैं, बट इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता है कि इस BMW के इंजन के साथ जो ये बाइक आई है, मुझे नहीं लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, ये आपका पैसा है। और जैसे कंपनियों ने उन्हीं लोगों को टारगेट किया है कि जिनके पास पैसा है, और आओ पैसा लगाओ और उसके बाद ले जाओ और प्रॉब्लम गले में डाल लो। अब अगर इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की होगी इंजन में, जो झंझनाहट होती है मैंने कई वीडियो में देखा, उसका साउंड उतना सही नहीं आ रहा था जितना होना चाहिए, अब अगर सही होगा तो फिर ठीक ही है। तो यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूँ तो इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रभावित कर पाएगी, क्योंकि मैं इंटरनली जानता हूँ। अगर मैं जैसे फीचर्स को उनको देखकर कहूँ तो फिर फीचर्स के हिसाब से और पावर के हिसाब से बाइक सही है, बट जैसे इंजन परफॉर्मेंस और इन सब चीज़ों की वजह से बाइक उतनी ज़्यादा कामगार नहीं है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, दीपावली धनतेरस आ रही है, आपकी बाइक स्कूटर कार गंदे रहेंगे, उस पर आप लगाएं M2R+ प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गोलो रोड पर भी मिल रहे हैं, वहाँ पर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, प्रीमियम पॉलिश हैं, प्रीमियम शैम्पू हैं, प्रीमियम माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैं, आप इनका उपयोग जरूर करें। तो देर किस बात की, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर खरीदें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।